டவுட்நெட் ஆப்பை இன்றே பதிவிறக்குங்கள். டவுட்நெட்டில் 6வது முதல் 12வது வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर जो है वो फाइंड करना है. हमें गिवन है 4x + 3y = 4. तो अगर हम यहाँ दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20x + 15y = 20. अब हमें गिवन है 6x + 5y = 8. अगर हम यहाँ दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है हो जाएगा 18x + 15y = 24. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 - 18 = 2x, और ये हो जाएगा 20 - 24 = -4. तो x हो गया -4/2, दैट इज x की वैल्यू हो गई -2 के इक्वल. यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो 6x + 5y ये 8 के इक्वल है. तो 6 × -2 + 5y = 8. तो -12 + 5y = 8. तो 5y की वैल्यू होगी 8 + 12 = 20. तो y हो जाएगा 20/5 = 4 के इक्वल. दैट मीन्स जो x कॉमा y है ये हो जाएगा -2/4 के इक्वल. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर.